बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद तनवीर। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बेसिकली दो तरह से होती है, ठीक है। और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से जो है वो उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो दो टाइप्स हैं वो है डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ये मुराद है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं होती। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी किसी जगह पर चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा हो, किसी जगह पर कम हो, किसी जगह पर उससे भी कम हो और किसी जगह पर उससे भी ज़्यादा हो, तो इस तरह रेंडमली समझ लें कि एक ख़ास यूनिफॉर्म के साथ यूनिफॉर्मली जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसे कहते हैं डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है वो है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि पूरी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इसकी तीन मेजर टाइप्स हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो तीन टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देर इज़ अ मेटल वायर आर अ मेटल रिंग, इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अब हम इसको डिफाइन करते हैं विद द टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक हो गया। इसके बाद सेकेंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी हमारे पास समझ लें मेटल सरफेस या हमारे पास मेटल शीट है, उसके ऊपर अगर हमने चार्ज को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है कि वो यूनिफॉर्मली उसकी पूरी सरफेस के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो अब वहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम टर्म यूज़ करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। उस वो जो सरफेस है, वो जो ऑब्जेक्ट है, उसकी सरफेस के ऊपर यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज है उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो थर्ड वन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जब भी हम इसको इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम कहते हैं कि पूरी बॉडी के इनसाइड जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है, लाइक अ स्फीयर, स्फीयर के इनसाइड पूरी बॉडी में। तो इसमें इसमें क्या होता है, फिर हम इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए टर्म यूज़ करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं रो से, दैट इज़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक ख़ास वॉल्यूम यानी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इन तीनों के जो यूनिट हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर हम यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट देखें तो वो हमारे पास आएंगे कूलम पर मीटर, दिस इज़ द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसके बाद अगर हम देखें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसके जो यूनिट हैं वो इसके यूनिट बनेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, दिस इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के यूनिट अगर हम देखें तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसके होंगे कूलम पर
मीटर क्यूब। तो इसे हम यूनिट से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया जा रहा है या उस किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ में ये यूनिट्स भी आ सकते हैं। और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम आगे चल के अभी गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशन हमने स्टडी करनी है वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर था इसमें हमने समझा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी टाइप्स की होती है, और एक है डिसकंटीन्यूअस और एक है कंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस को हम नॉन यूनिफॉर्म भी बोलते हैं और कंटीन्यूअस को यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फर्दर तीन टाइप्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया। इससे रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप डिटेल से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।